काम हुआ। और ये क्या है, कहाँ से लेके आए? वहाँ से। और बेच रहे हो, कैसा लीची है तुम्हारा? अच्छा है, कितना लीची है टोटल? 2 किलो। अच्छा, कैसे किलो है तुम्हारा लीची? 20 रुपया किलो। इतना सस्ता है? 2 किलो है, सिर्फ 40 रुपये का लीची है ये। 40 रुपये का? पैर में चप्पल नहीं है तुम्हारे? क्यों नहीं है? अच्छा, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? क्या? निशा फ्लावर। अच्छा, पापा क्या करते हैं तुम्हारे? क्या काम करते हैं? बोरा। कितने भाई हो? 2 भाई हो। बहन? 1। तो ये लीची बेचोगे तो पढ़ोगे कैसे? क्या? तो रविवार को तुम लीची बेचते हो। और ये 2 केजी लीची है? 2 केजी। और 20 रुपया किलो है? अरे ससुरा, हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये 100 रुपया से ऊपर का लीची है, तुम 40 रुपया बता रहे हो। रसन भैया किधर है जी? लेके आए तो 200 रुपया दीजिए। कितना है ये? तुम्हारा 40 रुपये का लीची नहीं है, तुम्हारा लीची जो है वो महंगा है। ये 2 केजी नहीं है, 2 केजी से ज़्यादा लीची है। और 20 रुपये में तुम इतना सारा, 40 रुपये में इतना सारा लीची कैसे दोगे? और 200 रुपया तुमको पता है क्यों दिया हूँ? क्यों दिया हूँ बताओ? नहीं, लीची के लिए नहीं दिया, बागवानी है मेरे पास भी, बहुत सारे लोग मुझे भी लीची दे देते हैं, तो लीची के लिए नहीं दिया। बताओ किस चीज़ के लिए दिया हूँ? नहीं बताओ, नहीं जानते हो? पढ़ाई के लिए दिया हूँ। क्या चीज़ के लिए? पढ़ाई के लिए। क्या चीज़ के लिए? पढ़ाई, पढ़ाई के लिए। चलिए 200 रुपया और दीजिए, दीजिए। ये कितना हुआ टोटल? कितना हो गया? 500 रुपया। चलो ये प्यारा सा लीची हमें दे दो, लेकिन ये 500 रुपया तुमको किस लिए दे रहा हूँ? 100 रुपया का तुम चप्पल खरीद लेना। क्या? 100 रुपया का तुम चप्पल खरीद लेना, क्योंकि अभी तुम्हारे पैर में कांटा गाड़ा था अभी, ठीक है? और 400 रुपया का तुम कॉपी किताब खरीदना और पढ़ाई करना ईमानदारी से, ठीक है? क्या चीज है? ईमानदारी से। और लीची मुझे पसंद है तो आधा लीची से, आधा से थोड़ा सा ज्यादा मैं ले रहा हूँ, और ये तुम घर पे लेके जाओ, खा लेना तुम, ठीक है? तुम खा लो, ठीक है? अब जाओ घर पे, पैसा रखो। पहले कहाँ पैसा रखोगे? किधर है जेब तुम्हारा? देखिए, गरीब के बच्चे कितना ईमानदार होते हैं। अगर मार्केट में भी हम लोग इतना लीची खरीदने जाते तो कम से कम 100 रुपया तो लगता ही लगता। ये बच्चा जो है 20 रुपया केजी लीची बोला, और मैंने पूछा कितना केजी है तो बोल रहा है 2 केजी है। भैया 40 रुपया, जरा सोचिए कितना पैसा दिया तुमको? 500 रुपया दिया। क्या क्या चीज के लिए दिया हूँ? चप्पल के लिए कितना दिया हूँ? 100 रुपया। और पढ़ने के लिए कितना दिया हूँ? 400 रुपया। मैं इस देश के सारे गरीबों का गरीबी नहीं ना मिटा सकता, नहीं मिटा सकता, लेकिन रास्ते में अगर इस प्रकार के कोई भोले भाले दिख जाते हैं तो प्रयास करते हैं हम लोग बदलाव करने का। और अगर हम सभी चाहेंगे ना तो बदलाव हो सकता है, और नहीं चाहेंगे तो नहीं बदलाव हो सकता है। बाकी टांग खींचना बहुत आसान है और हाथ खींच के आगे बढ़ाना बड़ी मुश्किल है। चलो घर जाओ, ये लीची तुम खाना। और एक बार फिर से नाम बता दो, क्या है तुम्हारा नाम? दिल्जन। क्या? दिलजन। पापा का नाम क्या है? दिनेश चौरसिया। 2 भाई हो, और घर कहाँ है तुम्हारा? खगड़िया में। कौन सा पंचायत है तुम्हारा? गांव कौन सा है? नक्सोलिया। चलो अब जाओ घर पे, और पढ़ाई करना है। क्या करना है? अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा बच्चा जो है सड़क के किनारे लीची नहीं बेचेगा, और नहीं करोगे, पापा ने पढ़ाई नहीं किया था इसलिए तुमको लीची बेचना पड़ रहा है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं? चलो जाओ 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 घर जाओ, भागो, चलो घर जाओ। अब बेचना मत, वो तुमको खाने के लिए दिया हूँ, जाओ। दिला। इस प्रकार से हम लोग बदल सकते हैं बिहार को, लेकिन उसके लिए सबको प्रयास करना होगा, और छोटा छोटा प्रयास करने की जरूरत है, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है।
बस टांग खींचने के जगह पे हाथ खींचने का प्रयास किया जाए। काबिलियत की भरमार है बिहार में। और हम लोग जो है देखिए कितना प्यारा लीची है ये। और बच्चा बेच रहा था, उसके पैर में चप्पल नहीं था तो मुझे दिखा। और अभी मैं खगड़िया में हूँ, सोचा क्या कि एक बच्चे के लिए एक दिन कुछ किया जाए, और मैंने किया। उम्मीद है कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। जय हिंद।